पहले मास्क मास्क जिनमें वैल्व होते हैं, ये एक रैपिडली डेवलपिंग सिनेरियो है, जैसा आप जानते हैं। जैसे पहले ये कहा जा रहा था कि जो कोविड का ट्रांसमिशन है वो ड्रॉपलेट आधारित ट्रांसमिशन है, उसके बाद साइंस ने कुछ और स्टडीज़ की और ये कहा गया कि अगर आप इनक्लोज्ड स्पेसेस में हैं, बंद कमरों में हैं, वर्क प्लेसेस में हैं, तो इस बात की संभावना है कि जो छोटे ड्रॉपलेट हैं वो हवा में देर तक सस्पेंड रह सकते हैं और एयरबोर्न इन्फेक्शन भी हो सकता है। WHO ने भी ये कहा कि हम इस चीज़ को मान रहे हैं लेकिन हम और एविडेंस का भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो उसी प्रकार स्वास्थ्य मंत्रालय भी जिस तरह से साइंटिफिक एविडेंस आते हैं उसके आधार पर अपने गाइडलाइंस निर्गत करता है। हाल के दिनों में कुछ साइंटिफिक स्टडीज़ हुई जिन्होंने ये कहा कि इस प्रकार के N95 मास्क, या मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि N95 मास्क रेस्पिरेटर जिसको वैल्व कहते हैं उसके साथ और बिना रेस्पिरेटर, जैसा ये सज्जन ने यहाँ पहना हुआ है, हाँ ये भी N95 मास्क है और शायद इसमें रेस्पिरेटर नहीं है, कम से कम यहाँ से नहीं दिख रहा, अच्छा है, तो बिना रेस्पिरेटर के भी N95 मास्क आते हैं और रेस्पिरेटर के साथ भी आते हैं। तो जो एविडेंस आ रहा है वो ये कहता है कि जब आप वैल्व वाला मास्क पहनते हैं तो आप स्वयं तो सुरक्षित हैं लेकिन जो आप एक्सहेल कर रहे हैं, इफ़ यू आर ए सिम्टोमेटिक पर्सन देन द प्रोपेंसिटी ऑफ दैट इन्फेक्टिंग अदर्स इज देयर। दिस इज़ ए इवॉल्विंग सिचुएशन। अगर कुछ और तथ्य हमारे सामने आएंगे और हमें ये आवश्यकता लगेगी कि इसमें कुछ संशोधन करने की ज़रूरत है तो हम करेंगे, वर्तमान स्थिति यही है जो हमने अपनी गाइडलाइंस में बताई है। तो ये तो मास्क की बात हो गई।